नमस्कार, एबीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की। दरअसल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जो स्वास्थ्य महकमा है वो अलर्ट नजर आ रहा है। जो अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि प्रगति अल्ट्रासाउंड समेत 3 अल्ट्रासाउंड पर मजिस्ट्रेट की टीम समेत सीएससी प्रभारी एलबी यादव ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि नगर में चल रहे अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर को जांच के बाद जिनमें अनियमितताएं पाई जा रही हैं उन्हें सील किया जा रहा है। दरअसल अवैध रूप से जो अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं वहां पर जब भी मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से अब जो स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। 3 दिनों का ये अभियान चलाया गया है, जिसमें जो अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं उनके कागजात की जांच की जा रही है। जांच के लिए सीएमओ ऑफिस तक भेजा जा रहा है। ऐसे ही कुशीनगर में 2 अल्ट्रासाउंड चलाने वाले डॉक्टर की गैर मौजूदगी में 2 अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील भी किया गया है। तो यहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। देशभर में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। अब इस चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 45 साल से ज्यादा उन लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। कोविड महामारी के चलते जहां कोविड की दूसरी वेव पूरे संसार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ भारत में निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन से लोगों में राहत देखने को मिल रही है और लोगों में किसी तरह का भ्रम ना रहे इसको लेकर के बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी टीकाकरण में भागीदारी कर रही हैं। आपको बता दें कि साथ ही साथ लोगों से भी कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की जा रही है। ऐसा ही कुछ पठानकोट में भी देखने को मिला, जहां बीजेपी के पंजाब प्रधान द्वारा टीका लगवाया गया। साथ ही उन्होंने टीका लगवाने के बाद जो आम लोग हैं, आम जनता से भी टीका लगवाने की अपील की है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो खुद अगे बढ़ के जो उन्हों की बारी आई उन्होंने वैक्सीन ली है, उस तो बाद एक अलग तरह का विश्वास और जोड़े भ्रम जोड़े विपक्ष द्वारा पाए गए थे वह समाप्त होए ने और भारत कोरोना मुक्त होए। इस मुहिम से सब लोग हिस्सा ले रहे हैं। मैं भी अज वैक्सीन ली है। मेरी पठानकोट के और पंजाब के सब लोगों अगर अपील है कि अगे बढ़ो और हिंदुस्तान में कोरोना मुक्त बनाने के अंदर आओ और टीका लगाओ। और खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर इस उम्मीद से गौठाना समितियों का उद्घाटन किया गया था कि जो ये समितियां हैं वहां पर जो आवारा पशु हैं वो रखे जा सकेंगे, उन्हें जो है पूरी सुविधाएं वहां पर मिलेंगी। लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार ने जो उम्मीदें लगाई थी वो सारी उम्मीदें धूल फांकती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल गांव गौठान का निर्माण तो कर दिया गया है, लेकिन गौठान समिति और पंचायत प्रतिनिधि इसका दुरुपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। कवर्धा जिले के लोहारा ब्लॉक अंतर्गत आने वाले अचानकपुर गौठान में 8 से 10 मवेशी भूखे प्यासे सजा काटने को मजबूर हैं। बता दें कि अचानकपुर गौठान में मवेशियों को कैद रखा गया है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक फसल की सुरक्षा के लिए यहां काम किया गया है, लेकिन गौठान में कैद बेजुबान जानवर के लिए गौठान समितियों द्वारा चारा पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं की गई है, जिसके कारण मवेशी भूखे प्यासे कैद होकर रहने को मजबूर हैं। साथ ही जो मवेशी हैं वो अपनी जो भूख है उसे मिटाने के लिए धूल चाटते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं उन पर अधिकारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लोरमी में 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें लोगों को जागरूक किए जाने का काम किया गया है। शासन की व्यवस्था विभाग में योजना में पंचायत स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मितानिन दीदियों का 25वां चरण के प्रशिक्षण लोरमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रारंभ की गई है, जहाँ लोरमी ब्लॉक के 148 ग्राम पंचायत से 666 मितानिन और 23 मास्टर ट्रेनरों के द्वारा 7 दिवसीय सेक्टर वाइज प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
इसके लिए एनजीओ स्वास्थ्य प्रशासन के द्वारा रहने खाने और यात्रा के लिए लाखों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं, फिर भी गुणवत्ता विहीन भोजन परोसने की बात यहां पर सामने आई है। वहीं इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली मौसमी बीमारियों जैसे मलेरिया, उल्टी, दस्त, निमोनिया आदि की रोकथाम को लेकर के प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि जो लोग हैं वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकें और उन्हें जागरूक किया जा सके, ताकि जो मौसमी बीमारियां होती हैं उनसे लोगों को निजात मिल सके। बुखार है जिसमें दवा देकर जिसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जिसका प्राथमिक उपचार करके पेशेंट को रिफर करना है, उसी में जो भी मतलब शासन से नया गाइडलाइन आता है और माँ बच्चे से संबंधित जो डिलीवरी से संबंधित वो चीजें इनको एक बुकलेट के आधार पर दी जाती है, जिसको जो मितानियों प्रशिक्षक है वो मितानियों को प्रशिक्षित करते हैं। तो हर समय सभी का सहयोग कर रही हैं और करते आ रही हैं, है ना। और जैसे कि मान लीजिए मास्क का उपयोग है, जैसे मास्क से तो इन लोगों को सभी को मिला हुआ है, पर ये गमछा का उपयोग कर रही हैं और आप लोग आए तो उस समय थोड़ा से लगाए नहीं थे। सरकार से ये निवेदन है जैसे कि कोई भी हमार कर्मचारी वर्ग है जो हमारा इतना मेहनत नहीं करते, 8 घंटा ड्यूटी ले थे लेकिन हम 24 घंटा दिन और रात एक बराबर मेहनत करते। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन जो पार्टियां हैं उन्होंने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। लगातार चुनाव के मद्देनजर जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर भी जमकर निशाना साध रही हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के चुनावी गतिविधियां सभी पार्टियों ने तेज कर दी हैं। सभी पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने चुनाव विचार के साथ ही कांग्रेस की फजीहत करनी भी शुरू कर दी है, और किस तरीके से कांग्रेस की आम आदमी पार्टी के नेता फजीहत करते हुए नजर आ रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल दो विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं रहे। 2012 के विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के बाद भी आपसी कलह के चलते कांग्रेस सरकार डगमगा गई थी। मार्च 2016 में कांग्रेस की सरकार गिरा भी दी गई, लेकिन हरीश रावत कूट जाकर सरकार बचा ले गए थे। और साल 2017 का विधानसभा चुनाव में प्रदेश में मोदी लहर के चलते सत्ताधारी कांग्रेस के बड़े से बड़े किले भी ढह गए थे। मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई कैबिनेट मंत्रियों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। प्रदेश में कांग्रेस महज 11 सीटों तक सिमट गई थी। अब उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया है और उत्तराखंड में कांग्रेस की आपसी मतभेद और देखते हुए उत्तराखंड में कांग्रेस के टूटे विधायक मंत्री जो है वो आम आदमी पार्टी की आम आदमी पार्टी में शामिल होकर के फजीहत करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए ये कहा है कि एक एक करके जो कांग्रेस के विधायक हैं वो बिक रहे हैं और एक साथ ही बिक जाएं, भारतीय जनता पार्टी पर काफी पैसे हैं, इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर के चाक चौबंद तैयारियां करती हुई नजर आ रही है, और इसी कड़ी में जो आम आदमी पार्टी है उसने कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही बीजेपी पर भी कटाक्ष किए हैं। जो वोटर हैं या जो सपोर्टर हैं उनसे भी पूछना चाहूंगा कि लोग कांग्रेस को वोट क्यों करें, क्योंकि अगर आज आपने कांग्रेस को वोट किया तो 15 दिन बाद पता लगेगा कि वो विधायक बीजेपी में सम्मिलित हो गया। और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के विधायक, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जिस तरीके से उनके विधायक रोज रोज बिक रहे हैं, मुझे लगता है कांग्रेस अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, उनके ऊपर कोई लोग विश्वास नहीं कर रहे। और मेरी तो सलाह है कांग्रेस के लोगों को कि ये रोज रोज जो फुटकर में बेचने का काम हो रहा है इसे बंद किया जाना चाहिए। एक बार में ही बीजेपी से थोक में सौदा कर लें, पूरी पार्टी बेच दें। भाजपा के पास बहुत पैसे हैं, वो एक ही बार में पूरी की पूरी पार्टी खरीद सकते हैं, उनको पार्टी को एक बार में बेच करके खत्म करें। रोज रोज ये दो विधायक कांग्रेस के कर्नाटका से गए, 4 पौंडीचेरी से गए, 4 गोवा से गए, उसकी जगह निश्चित तौर पर थोक में एक बार सौदा करना चाहिए और सारे के सारे विधायक एक बार में बीजेपी को। खबर रुड़की से सामने आ रही है जहां पर पुलिस ने लापता युवक का शव बरामद किया था। आपको बता दें कि सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के इस्लाम नगर मोहल्ले से 27 फरवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए युवक का शव मोहम्मदपुर झाल से बरामद हुआ। शव की शिनाख्त परिजनों द्वारा की गई है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मंगलौर के मोहम्मदपुर झाल से 21 साल के युवक का शव बरामद हुआ है, जिसकी शिनाख्त शिवम पाल जो कि इस्लाम नगर का रहने वाला था उसके रूप में हुई है। दरअसल शिवम बीती 27 फरवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। परिजनों द्वारा 28 फरवरी को रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में
शिवम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बताया गया था कि शिवम अपना मोबाइल फोन भी घर पर ही छोड़ गया था, जिसके कारण उसकी लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो पाई। अब मामले को लेकर के युवक का शव मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर झाल से बरामद हुआ है। वहीं इस मामले में कोतवाली प्रभारी राजेश शाह ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के इस्लाम नगर निवासी एक युवक की गुमशुदगी बीती 28 फरवरी को दर्ज कराई गई थी, जिसका शव अब पुलिस ने बरामद कर लिया है। आज हमें सुबह कॉल आई, हम वहाँ गए भी हैं कहीं फेरी पर, वहाँ कोई वो नहीं था, पर हम नंबर दे के आए थे। वहाँ से हमारी कॉल आई, हम सुबह 9 बजे वहाँ पहुँचे तो हमें वहाँ मिली। अब इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी पर शक करें, क्योंकि हम कंपनी में भी गए, हम भी गए थे उनके साथ में, पुलिस वाले भी थे, तो सब के सब यही बोल रहे कि बहुत सीधा लड़का था, बहुत ही अच्छा था, मतलब इसका किसी के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा। हरिद्वार में निकायों में स्लॉटर हाउस पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि आए दिन जो स्लॉटर हाउस का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ नजर आता है, जिसके बाद हरिद्वार के निकायों में स्लॉटर हाउस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और स्थानीय सांसद का आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि रुड़की के आदर्श नगर में आयोजित पत्रकार वार्ता में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने सरकार द्वारा पशुवध जाला के संबंध में जारी किए शासनादेश का स्वागत किया है। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री शिव प्रसाद त्यागी ने कहा कि वो हरिद्वार जिले के मंगलोर में स्लॉटर हाउस खोले जाने के लगातार विरोधी रहे हैं और लगातार इसका विरोध भी कर रहे थे। इस संबंध में उन्होंने धरना प्रदर्शन करने से लेकर मुख्यमंत्री तक से मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी। वहीं इस मामले में हरिद्वार सांसद और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी हस्तक्षेप किया और अब सरकार ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है कि हरिद्वार जिले के निकायों में किसी भी प्रकार का स्लॉटर हाउस नहीं खोला जा सकता। ये सामाजिक आंदोलन था और समाज हित में हमने ये लड़ाई लड़ी, जिसमें जीत हासिल हुई है। प्रेस के बंधुओं का भी काफी बहुत बहुत आभार, क्योंकि जो भी हमारी बात थी, आंदोलन था, संघर्ष था, वो सब प्रेस के माध्यम से वो सब समाज के बीच में गया, क्योंकि विशुद्ध रूप से सामाजिक आंदोलन था और इस आंदोलन को जो अग्रणी रूप में भूमिका निभाई विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने, और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद किसी राजनीतिक दल के दबाव में या किसी के दल के समर्थन में काम नहीं करता, वो सामाजिक और धार्मिक जो भी विसंगतियां होती हैं और धार्मिक कुरीतियां होती हैं। खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से है, जहां पर महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि मंदिरों में साफ सफाई का काम किया जा रहा है। दरअसल महाशिवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। जांजगीर जिले के तहत आने वाले नगर पंचायत नवागढ़ में हर साल की भांति इस साल भी महाशिवरात्रि की तैयारी जोरों से चल रही है। मंदिर की साफ सफाई का काम भी चल रहा है और भी सभी प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम के लिए झूला टाकीज आने वाले सभी लोग आने लगे हैं। महाशिवरात्रि से पंचमी तक 7 दिनों का मेला भी लगता है, जिसमें बहुत ही श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से भगवान भूफोड़ लिंगेश्वर महादेव के दर्शनों के लिए आते हैं। नगरवासियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि भूफोड़ लिंगेश्वर महादेव का लिंग जो बरसों पुराना है, यहाँ पर धरती फाड़ के निकला हुआ है, जो 4 फुट 5 इंच का है, और इस मंदिर को नवागढ़ का बलदेव सेठ ने बनवाया है। उसी दिन से नवागढ़ नगर पंचायत लिंगेश्वर नगरी माँ भगवती की पवनधारा में महाशिवरात्रि की सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खुलते हैं और सबसे पहले पूजा की जाती है जो मंदिर बनवाया है। वहीं पर महाशिवरात्रि से पंचमी तक मेला भी लगता है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब महाशिवरात्रि को लेकर के तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। जो रंगाई पुताई का काम है वो भी चल रहा है, साथ ही साथ सफाई का काम भी जोरों पर चल रहा है। और यहाँ मेला का तैयारी चल रहा है जोर शोर से, साफ सफाई चल रहा है मंदिर का और झूला भी आ गया है। खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से सामने आ रही है, जहां पर भाई भाई का रिश्ता शर्मसार हुआ है। आपको बता दें कि भाई पर अपने ही भाई पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। मामला लोहारा थाना के डोंगरिया नवापारा गांव का है, जहां मामूली विवाद को लेकर अपने ही सगे भाई पर कुल्हाड़ी से मारकर जान लेने की कोशिश की गई। बता दें कि मामूली विवाद को लेकर आरोपी रामेश्वर साहू ने अपने भाई पर हमला कर दिया था, जिसके बाद गंभीर अवस्था से घायल भाई को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। रिपोर्ट दर्ज होने पर थाना सहसपुरा लोहारा में
मामला दर्ज कर लिया गया है। नंगिया एवं हसिया को जब्त करते हुए आरोपी को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि भाई पर ही जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां पर हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये आरोपी हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद से फरार चल रहा था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला गाजियाबाद के थाना लोनी क्षेत्र के डाबर तालाब कॉलोनी का है, जहां पर 30 दिसंबर को दिल्ली के रहने वाले पंकज नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। पंकज की हत्या में फरार चल रहे आरोपी शेरू उर्फ शेर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी शेर खान थाना लोनी का ही हिस्ट्रीसिटर है, और आपको बता दें कि ये यहाँ के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल है, जिसके खिलाफ लूट, हत्या, हत्या की कोशिश, गैंगस्टर समेत 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज हैं। हत्या हुई थी, जिसमें विवेचना क्रम में कुछ अभियुक्त दल के नाम प्रकाश में आए थे। शेरू शेर खान उनमें से एक था। आज शेरू शेर खान की 5 मार्च 2021 को गिरफ्तारी की गई है, और शेरू शेर खान पूर्व में भी हत्या, लूट और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमों में जेल जा चुका है। यह थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर भी है तथा हमारे टॉप 10 अपराधियों में से भी एक है। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए बी स्टार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।